Hello aspirants, so I am back with another video, the second part of the Indian economy internal security. In this section I will be talking about internal security और इंटरनल सिक्योरिटी के कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उनके जो है आंसर प्रेजेंट करेंगे कि आखिरकार जो ओवरऑल फॉर्मेट है आंसर प्रेजेंटेशन का मेंस का हाउ दैट इज गोइंग टू बी रिगार्डिंग सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये जो है हमारा ओवरऑल पर्पस है आंसर प्रेजेंट करने का वीडियो के थ्रू, और जो आंसर्स हम यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं वो तो काफी परफेक्ट है, बट व्हेन यू आर गोइंग टू प्रेजेंट इन योर ओन वर्ड्स हाउ यू आर गोइंग टू डू इट, उसके लिए क्या करना होगा कि आपके जो छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स बने होते हैं किसी स्पेसिफिक सिचुएशंस को लेके, उन शॉर्ट नोट्स को आप आंसर सेंटेंस फ्रेमिंग में सेंटेंस में आप डाल सकते हैं व्हाइल यू आर डूइंग योर प्रैक्टिसेस एट योर होम। तो दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कुड डू इफ यू आर गोइंग टू अपियर फॉर द मेंस आंसर, ऑलराइट, मेंस प्रोग्राम। तो दिस इज रितेश शुक्ला एंड दिस इज दिशा पब्लिकेशंस 120 प्लस मेंस डिस्कशन। सो आई विल स्टार्ट विद द इंटरनल सिक्योरिटी पार्ट। ओके, सो लेट मी स्टार्ट विद द पेन हियर। द क्वेश्चन इज व्हाट आर वेरियस न्यू एज थ्रेट्स टू इंडियन सिक्योरिटी, डिस्कस हाउ इंडिया शुड प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर दीज थ्रेट्स। अब जो नए न्यू एज थ्रेट हैं उसके बारे में बताना है कि आखिरकार कौन से ऐसे न्यू एज थ्रेट्स हैं इंडियन सिक्योरिटी के लिए, और ऐसे न्यू एज थ्रेट्स के अगेंस्ट इंडिया को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। दीज आर द मोस्ट फंडामेंटल क्वेश्चन दैट हैज टू बी आंसर्ड हियर, ऑलराइट। तो आखिरकार इसका डिमांड क्या है, थ्रेट्स टू इंडियन सिक्योरिटीज बेस्ड ऑन करंट एडवेंस ऑफ थ्रेट्स, जो भी अभी करंट जो भी थ्रेट्स हुए हैं इंडिया के अगेंस्ट, जो है ऐसा कोई थ्रेट है स्पेसिफिक तो उसको हम कहीं पॉइंट आउट करके उसको जो बता सकते हैं कि दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स, और डिस्क्राइब थ्रेट्स टू सिक्योरिटी, आखिरकार थ्रेट्स टू सिक्योरिटी क्या है। दीज आर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो वी विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। India constitutes world's largest democracy with rise in modern technologies and penetration. India confronts a wide spectrum of challenges to its security. So, how being largest democracy become problematic? या फिर largest democracy अगर आप हैं तो कैसे internal security पे प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, largest democracy कहने का मतलब है कि we have a huge number of population. ठीक है, huge number of people. और वो जो लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन है दे आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग दैट वी आर अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, क्योंकि हमारे पास बड़ा पॉपुलेशन है इसकी वजह से हम उसको लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। तो ये जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है या फिर जो पॉपुलेशन है वो डिवाइडेड किसमें है, सोसाइटीज में, और जो सोसाइटीज हैं उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होते ही हैं, लेकिन ऐसे जो प्रॉब्लम्स एग्जीक्यूट किए जाते हैं प्लान तरीके से दोज आर थ्रेट्स। अब ये जो थ्रेट्स होंगे वो किसको किसको डिवॉल्व करते हैं, वो है पीस और ट्रैंक्विलिटी को। जब पीस को कोई थ्रेट खत्म करता है तो उस थ्रेट को खत्म करने के लिए खुद एक जो सॉवरेन कंट्री होती है वो जो है प्लानिंग करती है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू प्रोवाइड हियर, ऑलराइट। तो पहले हम जानेंगे कैसे कौन से थ्रेट्स होते हैं, देन वी विल गिव द प्रिपरेशन पार्ट, ऑलराइट, प्रिपरेशन टू गो अगेंस्ट द थ्रेट्स। अब जो पहला चीज है वेरियस न्यू एज थ्रेट्स टू इंडियन सिक्योरिटी, ये कौन से नए थ्रेट्स हैं उसके बारे में जानेंगे। तो साइबर थ्रेट्स, अब साइबर थ्रेट्स के दौरान क्या हुआ था कि इन द रिसेंट ईयर और इसके पहले भी 2020 और इवन इन 21 क्या हुआ कि देयर वर मेनी अटैक्स हैपनिंग इन यूनाइटेड स्टेट्स, सऊदी अरेबिया, रशिया, चाइना, और जो ये अटैक्स हुए थे वो प्रोमिनेंट ऑर्गेनाइजेशन पे हुए थे, उनके सिस्टम पे हुए थे, जो ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम थे डिजिटल सिस्टम उन पे साइबर अटैक करके उनसे रैंसम मांगा जा रहा था कि ये जो पैसे जो ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसे हैं वो उनको दे तभी जाके वो सिस्टम रिलीज करेंगे। ये जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया था जब साइबर अटैक्स हुए थे। ऐसा ही अटैक इंडिया में भी पुणे में हुआ था, और जो ऑर्गेनाइजेशन पे जो डिजिटल सिस्टम था उस पर जो अटैक हुआ था उससे भी रैंसम जो है डिमांड किया गया था। तो ये जो स्पेसिफिक थ्रेट्स है वो बहुत बड़े प्रॉब्लम बनते जा रहे हैं सारे सॉवरेन कंट्रीज के लिए, ऑलराइट। तो दिस इज अ वेरी वाइड चैलेंज फॉर इंडियन सिक्योरिटी। द इनिशिएटिव्स लाइक डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव्स हैव ब्रॉट अबाउट अ पैराडिग्म शिफ्ट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी, व्हाइल ग्रेटर कनेक्टिविटी प्रॉमिसेस वाइडर सर्विसेज, इट ऑल्सो पेव्स द वे ऑफ इमर्जेंस ऑफ न्यू वल्नरेबिलिटीज। लीडिंग कंपनीज इन एनर्जी, फाइनेंस एंड अदर सेक्टर्स आर टारगेटेड बाय न्यू एज साइबर क्रिमिनल्स। एज पर CERT-IN, वन साइबर क्राइम वॉज रिपोर्टेड एवरी 10 मिनट्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2017, विच इज क्वाइट अलार्मिंग। अब तो ये साइबर अटैक्स हुए ये आखिरकार कौन कौन से हुए, कई बार ऐसा होता है कि कंपनीज में फेक कॉल्स करके उनसे जो है मनी डिमांड करते हैं, या फिर कोई स्पेसिफिक प्रोग्राम बता के उनसे जो है मनी डिमांड करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द थ्रेट्स दैट इज वेरी मच प्रोमिनेंट इन इंडिया, और ये बढ़ते ही जा रहा है कंटिन्यूअसली, ऑलराइट। तो वी विल गो टू अनदर एस्पेक्ट, चैलेंज
क्लाइमेट चेंज एज अ डिस्टेबलाइजिंग थ्रेट। अब क्या होगा कि क्लाइमेट चेंज कैसे एक रीजन बन जाता है, रीजन बन जा रहा है हमारे इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अब क्लाइमेट चेंज से क्या होगा कि इसका असर जो जो वेदर होता है उस पर पड़ जाता है, स्पेसिफिक वेदर पड़ जाता है। वेदर के कारण जो चेंजेस होते हैं जमीन पर उसमें भी काफी फर्क पड़ जाता है। जैसे कि रिवर्स हैं, इसमें कभी हो सकता है एक्सेस वाटर हो जाए, कभी हो जाता है ये कंप्लीटली ड्राउट हो जाए। तो ये जो स्पेसिफिक सिचुएशन है दैट मे और मे नॉट हेल्प द एग्जैक्ट सिचुएशन वेयर इट इज हैपनिंग। ऑलराइट, तो ये या तो हेल्प भी कर सकता है नहीं भी हेल्प कर सकता है। ये जो है प्रोमिनेंट एग्जांपल कैसे है इसको पढ़ के हम देख लेंगे। वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल इश्यूज कंसर्निंग इंडिया सिक्योरिटी इज क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इंपैक्ट। ड्विंडलिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज हैज लेड टू मेनी इंटरस्टेट वाटर टसल्स, वन ऑफ व्हिच वाज विटनेस्ड इन द कावेरी रूप। सच एंडेवर्स मे नॉट ओनली इफेक्ट द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो लीड टू थ्रेट ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी। अब मैंने बताया कि जो क्लाइमेट चेंज है उससे क्या असर करेगा कि कभी रिवर में पानी हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। इस प्रकार के सिचुएशन जो है क्रिएट हो सकते हैं बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। अब इससे क्या होगा कि अभी मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, इनके बीच में रिवर डिस्प्यूट है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, उनके बीच में कावेरी रिवर डिस्प्यूट है। तो ये डिस्प्यूट किसके कारण हो जाता है, क्योंकि अपर लेवल पर कावेरी में पानी जो है काफी ज्यादा है और इसको जब छोड़ा जाता है तो यहाँ पर जो स्पेसिफिक एरिया है तमिलनाडु में उसमें जो है फ्लडिंग की सिचुएशन हो जाती है। या कभी ऐसा होता है कि इनके पास पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाती जिससे कि ये अपना इरिगेशन नहीं कर पाते। सो दीज आर दी सम ऑफ द फंडामेंटल थिंग्स जिसकी वजह से दो स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है और इस डिस्प्यूट के कारण जो रीजनल पीपल है वो एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाते हैं, विच इज अगेन एन थ्रेट टू इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज ऑल्सो बिकमिंग एन इंक्रीजिंग रीजन। डेमोग्राफिक चेंज एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। India is sitting at huge demographic dividend in terms of its 65% population is in age group of 15 to 35 years of age. While it can be a huge economic advantage, if not provided with suitable opportunities, can turn into worse nightmare. Although the Indian economy is growing substantially, India's rate of employment has actually declined. This may lead to youth turning to crime and drugs, which is dangerous to society. अब क्योंकि हमारे पास 65% of the population around 15 to 35 के age में है, जो कि काफी young age होता है, और इस particular age period में बहुत सारे economic advantage लिए जा सकते हैं इस age group से। लेकिन क्योंकि opportunities काफी कम है, employment opportunities काफी कम है, government द्वारा भी employment ऐसा बहुत ज्यादा create नहीं कर पाने के कारण ये जो age group है, क्योंकि these are the most active age group, और इनको जो है कोई ना कोई पर डे ऐसा कोई ना कोई काम चाहिए होता है जिससे कि वो अपने आप को एंगेज कर पाए बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट दे हैव इन देम। अगर उनके पास सूटेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है या सूटेबल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होता है, व्हाट दे कुड टर्न इनटू, दे कैन टर्न टू अदर थिंग्स, और ये जो है अदर थिंग्स होंगे वो ज्यादातर जो है सोसाइटी के अगेंस्ट ही होंगे, जैसे कि क्राइम करना। ऑलराइट, तो दैट विल बिकम इंक्रीजिंगली प्रॉब्लमैटिक। ऑलराइट, तो डेमोग्राफिक चेंजेस जो है वो भी बहुत बड़ा चैलेंज है। न्यू टेक्नोलॉजीज, ऑल द टेक्नोलॉजी हैज इमेंस यूजफुलनेस फॉर ह्यूमैनिटी, इट हैज अ हार्मफुल इंपैक्ट टू। फॉर एग्जांपल, न्यू टेक्नोलॉजी लाइक ड्रोन्स, ट्रांसपेरेंट कैमरास, रोबोटिक्स हैव द पोटेंशियल ऑफ स्नूपिंग इनटू इंडिया सिक्योरिटी सेटअप। पाकिस्तानी ड्रोन वॉज रिसेंटली फायर डाउन बाय इंडियन आर्मी इन राजस्थान एज एन एग्जांपल ऑफ दिस। दिस पोजेस न्यू चैलेंजेस टू इंडियन सिक्योरिटी। अब जो न्यू टेक्नोलॉजीज है, ऐसी कई टेक्नोलॉजीज डेवलप कर दी गई है जो की बिना डिटेक्शन कहीं भी एंटर कर जाते हैं, और वो डिटेक्शन करने के जो जो मैकेनिज्म है वो कहीं दूसरे कंट्री में नहीं डेवलप किया गया है। तो इन ड्रोन से या फिर ऐसी टेक्नोलॉजी से कहीं भी पेनिट्रेट कर जाना और वहां पर जाके स्पेसिफिक डेटा और इन्फॉर्मेशन को ले आना या फिर ज्योग्राफिकल लोकेशन को ले आना, दीज आर इंक्रीजिंगली बिकमिंग इन बिटवीन कंट्रीज। और ये पाकिस्तान के द्वारा ड्रोन जो सेंड किया गया था उससे जो है ये साफ जो है दिखता है। तो ये जो नई टेक्नोलॉजीज है ये भी जो है काफी बड़ा थ्रेट बनती जा रही है इवन इंडिया के लिए एंड अदर कंट्रीज ऑल्सो। ऑलराइट, तो हाउ शुड इंडिया प्रिपेयर इटसेल्फ फॉर दीज थ्रेट्स। तो क्लाइमेट एक्शन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड नर्चरिंग इज एन अर्जेंट नीड ऑफ द आवर। एज अ डिस्टेबलाइज्ड एनवायरमेंट कैन लीड टू अ टिपिंग पॉइंट, स्टेट मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर नेचुरल डिजास्टर दैट मे थ्रेटन द सर्वाइवल ऑफ द स्टेट एंड इट्स पॉपुलेशन। अब जो क्लाइमेट एक्शन है, मैंने बताया कि क्लाइमेट चेंजेस से कुछ सिचुएशन क्लाइमेट चेंज से कुछ सिचुएशन अराइज कर जाती है, और ये जो सिचुएशन अराइज होती है उससे क्या करना होगा। मैंने बताया कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में डिस्प्यूट ऐसा क्रिएट हो जाता है, तो
तो इनको कुछ ना कुछ ऐसा स्पेसिफिकेशन, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्पेसिफिक ऑर्डर था कि यहाँ पर कुछ क्यूसेक ऑफ मीटर्स ऑफ पानी को रहने की आवश्यकता है, वेयर एज उनको जो है कुछ क्यूसेक मीटर ऑफ वाटर जो है उनको डिस्चार्ज करना ही होगा। तो ये जो है दो स्टेट्स की गवर्नमेंट को एक साथ बैठ के ऐसा डिसाइड करना ही होगा कि एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के अंदर हम कितना वाटर जो है रिलीज करेंगे, कितना वाटर रिलीज नहीं कर पाएंगे, और दोनों ही रीजन के जो लोग हैं उनको कैसे हेल्प मिल पाए। तो इसके लिए एक स्पेसिफिक प्लान भी उनको डेवलप करना पड़ेगा, दैट कुड बी अ क्लाइमेट एक्शन प्लान। तो जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, the साइबर क्राइम रिलेटेड चैलेंजेस एट इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल्स, देयर आर साइबर क्राइम रिलेटेड चैलेंजेस, दिस इज needed for upgrading technology, training cyber professionals, counseling of victims and creating cyber cells. Thus the government must make efforts to work with private sector. तो ये जो statement है public private partnership, इससे ये कहना है कि because government, खास करके हमारे यहाँ जो government है, because of the lack of technological advances in the government system, क्योंकि इनके यहाँ पे बहुत, हमारे यहाँ जो government है वहाँ पर जो technological advancement है उसको पूरी तरह से accept नहीं किया गया है, और अगर accept करना भी है तो उसके लिए बहुत piece of legislation की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ government अभी भी बहुत ही technologically advanced नहीं है। तो उस situation में क्या करना होगा कि because we are a mixed economy, what we will do, we will start with public-private partnership, और इसमें क्या करना होगा कि we will have to get as much help from private players who are enthusiastically wanting to counter such threats which are being created by साइबर क्रिमिनल्स। तो उसके लिए कुछ साइबर प्रोफेशनल्स या फिर ऐसे डिजिटल ऐप या फिर डिजिटल सॉफ्टवेयर डेवलप करने वाले लोगों से मिलकर उनके साथ एक इंस्टीट्यूशन स्टैब्लिश करना पड़ेगा, और उस इंस्टीट्यूशन के थ्रू में ऐसे जितने भी थ्रेट्स होने वाले हैं या उनका कोई एक ब्रीच करने का जो तरीका है उसको पॉइंट आउट करके, उसको टेकआउट करके एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर या ऐप ऐसा डेवलप करना होगा, दैट हैज टू बी ऑल्सो डन थ्रू लेजिस्लेशंस। ऑलराइट, द सेकेंड थिंग इज थर्ड थिंग मोस्टली स्मार्ट पुलिसिंग, बिकॉज हमारे यहाँ जो पुलिस है वो अभी भी 19 सेंचुरी के ढर्रे पर ही चल रही है, और जो पुलिसिंग करने का तरीका है वो भी अभी तक काफी ऑर्थोडॉक्स है। अभी अगर आप पुलिस के मेथड्स को देखेंगे जो लोकल ग्राउंड लेवल पे वर्क करते हैं वो अभी भी केवल फिजिकली चीजों में इन्वॉल्व होते हैं रादर देन टेकिंग टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अब उसमें क्या होगा, पुलिस मस्ट यूज रियल टाइम टेक्नोलॉजी एंड डेटा एनालिसिस टू परस्यू स्मार्टर पुलिसिंग, इट मस्ट हैव द केबल टू रिसीव क्राइम टिप्स फ्रॉम द पब्लिक इन रियल टाइम थ्रू स्मार्टफोन एप्स एंड क्रिएट डिटेल क्राइम एंड कंप्लेंट मैपिंग। अब जो कंप्लेंट जो फाइल करना होता है यदि किसी इंडिविजुअल को, खास करके ऐसा कोई साइबर क्राइम हुआ है उसको लेके अगर पुलिस के पास फाइल करना होता है तो पुलिस डू नॉट हैव एनी सॉर्ट ऑफ मैकेनिज्म व्हिच कुड हेल्प देम डायरेक्टली, ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है, और पुलिस खुद भी इस पर निहत्था दिखाई देती है क्योंकि उन्हें लगता है कि हम जो है फिजिकली चीजें तो जाके कर सकते हैं, बट व्हेन द क्राइम इज रिलेटेड टू आईटी तो उसमें उनके पास बहुत ज्यादा मैकेनिज्म नहीं होते, वो बस रिलाई करते हैं कि सर्टेन गाय हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और बाय द पुलिस इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ, उनके पास क्या जानकारी है, तो ज्यादा से ज्यादा वो डेटा निकाल पाते हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल पाते हैं, और उसके रिगार्डिंग कुछ भी नहीं कर सकते। इसके लिए कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर मेकर, डेवलपर या फिर कोई ऐसा एथिकल हैकर को रिक्रूट करने की जरूरत है जिससे कि वो पुलिस को एक सर्टेन विंग की तरह काम करे, और जो भी थ्रेट्स होते हैं या फिर जो भी ऐसे प्रॉब्लम्स जैसे क्राइम्स होते हैं उसको डिटेक्ट करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर पाए। तो ये जो है स्मार्ट पुलिसिंग इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ वी विल बी फिनिशिंग ऑफ द आंसर एंड द लास्ट थिंग अबाउट द प्रिपरेशन फॉर टू टैकल ऑल द सिक्योरिटी थ्रेट्स विल बी रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ यूसेज ऑफ ड्रोन्स इज अ राइट स्टेप इन दिस डायरेक्शन, गवर्नमेंट मस्ट इन्वॉल्व ऑल द स्टेक होल्डर्स व्हाइल फ्रेमिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एनी हार्म टू इंडिविजुअल्स प्राइवेसी एंड फ्रीडम। ऑलराइट, तो अब जो भी थ्रेट जो है न्यू एज जो भी थ्रेट हैं उनके लिए क्या करना पड़ेगा, तो अभी आपने देखा होगा कि यूरोप में डेटा प्राइवेसी को लेके एक स्पेसिफिक डेटा प्राइवेसी प्लान बना दिया गया है जिसमें प्राइवेसी को भी हनन करने के लिए स्पेसिफिक ब्रीच कहा जा रहा है। तो इसी प्रकार की डेटा प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया में भी जो है, क्योंकि इंटरनेट यूजर्स बहुत ही लार्ज स्टेज पर है, बहुत ही बड़ा एक वर्ग है जो कि इंटरनेट यूज करता है, उनके प्राइवेसी के फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेशल डेटा ब्रीच प्लान जो है क्या करते हैं ऑलरेडी वर्क में है गवर्नमेंट के, लेकिन उसको एक इंस्टीट्यूशन द्वारा एस्टेब्लिश करने की जरूरत है जिसमें ऐसे स्पेसिफिक रेगुलेशंस हो जो कि
जो भी थ्रेट ऐसा इन्वॉल्व हो पाए उसको पहले ही टैकल कर सके, और अगर थ्रेट हो जाए तो उसके बाद का भी स्पेसिफिक रेगुलेशन हो जिससे कि ये काइंड ऑफ ऑफेंस जो है वहां पर क्रिएट किया जा सके। ऑलराइट, तो ये जो है स्पेसिफिक चीजें थी जो कि इंडिया के सिक्योरिटी थ्रेट को लेके जो भी बनाया जाएगा उसके लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा, ये ओवरऑल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी थी। ऑलराइट, तो अब जो है फाइनली वी विल बी कंक्लूडिंग द आंसर। टू मीट द डाइवर्स लाइकली सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड टू सक्सेसफुली कन्फ्रंट ऑल चैलेंजेस इंडिया रिक्वायर्स अ क्लियर कट स्ट्रेटेजी। इट इज इंपॉर्टेंट टू सिनर्जाइज आवर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। गवर्नमेंट हैज मेड वेरियस एफर्ट्स लाइक क्रिएटिंग अ पोस्ट ऑफ नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, साइबर स्वच्छता केंद्र, खेलो इंडिया इनिशिएटिव फॉर यूथ एक्सेट्रा। तो अभी आपने देखा यहाँ पर जो फाइनल नोशन है और इसमें ये क्या बताया जा रहा है कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी बनाया गया, साइबर स्वच्छता केंद्र बनाया गया, खेलो इंडिया इनिशिएटिव बनाया गया, ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक इनिशिएटिव्स हैं जो कि गवर्नमेंट ने ऐसा डेवलप किया है किसको लिए, किसके लिए, ताकि जो थ्रेट्स हैं उनको जो है खत्म किया जा सके, या फिर ये स्पेसिफिक इनिशिएटिव है ताकि जो जितने भी यंग हैं हमारे यहाँ उनको जो है गेम्स में ही इन्वॉल्व करके उनको जो है और आगे डेवलप कर सके। तो ये कुछ स्पेसिफिक मैकेनिजम्स हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट वर्क कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट नीड टू वर्क मोर इन द साइबर थ्रेट्स एंड साइबर क्राइम्स एरियाज। ऑलराइट, सो दिस इज द फाइनल आंसर एंड आई विल बी गोइंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now the other question is, discuss the role and significance of Chief of Defence Staff, how it would help India, help in India's security. अब बहुत ही लॉन्ग टाइम से CDS Chief of Defence Staff का डिमांड चल रहा था इंडिया में और इसको जो है अप्रूव कर दिया गया एंड फाइनली विपिन रावत हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो आखिरकार इसका क्या रोल है और इसका क्या सिग्निफिकेंस है और ये कैसे इंडियन सिक्योरिटी में हेल्प करेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। तो आखिरकार व्हाट इज दी What is the overall juncture that we are going to provide the answer? Let's start with the introduction. The Chief of Defence Staff is a high military office that will oversee and coordinate the working of the three defence services in India. Most countries with advanced militaries like in the UK have such a post with varying degrees of power and authority. CDS is important for the integration of tri-service personnel in India. So what happens is CDS is actually going to co-join all the three army that we have. What is the third army? Air Force, Army and Navy. All right. So, ये तीन जो आर्मीज हैं उनको कोजॉइन करेगा CDS। और आखिरकार ये इन तीनों को कोजॉइन करने का क्या मतलब है कि देर आर वेरियस rules and regulations in between all these three armies that sometimes are mismanaged or misinstructed. All right. अब जैसे इनको अगर इनको कुछ convey करना है, इनको इन्हें कुछ convey करना है, इनको if there is a kind of doubt regarding the coordination, तब जाके कुछ situation या problem जो है create हो जाती है। तो ये जो specific problems हैं that are going to be diverted to CDS and CDS will be conveying that specific message to the concerned government. इसके लिए CDS का बहुत ही important role है इन तीनों के बीच का जो coordination है उसको maintain रखने के लिए, उनके बीच का जो भी mismanagement हो गया उसको जो है maintain करने के लिए। अगर कोई specific military या फिर equipment ऐसा कोई जरूरत है या तो स्थल सेना को या फिर जो है वायु सेना को या फिर नेवी को, अगर उनको कोई ऐसे equipment जो कि लगती है कि बहुत ज्यादा जरूरत है, they are going to entail that to the CDS and CDS by giving his thoughts on it will surely give it to the concerned government. So ye jo hai overall role hai CDS ka. All right, ab yahan par hum dekhenge ki what are the role of Chief of Defence Staff. CDS will act as the principal military advisor to the defence minister on tri-services matters. He will also be the military advisor to the nuclear command authority chaired by the prime minister, which handles India's nuclear arsenal. Ab ye nuclear पर्सनल जो हैंडल करते हैं उनका भी कमांडिंग ऑफिसर है, साथ ही साथ क्या होगा, ही विल बी मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर। जैसे मैंने बताया कि कंसर्न्ड अथॉरिटी को ये नेवीज के ओवरऑल आर्मी के जो प्रॉब्लम्स हैं वो जो है कन्वे करेंगे। तो व्हाट ही इज एक्टिंग एज मिलिट्री एडवाइजर टू द डिफेंस मिनिस्टर ऑन ट्राई सर्विसेज। ऑलराइट, मूविंग ऑन, Department of Military Affairs head. The Department of Military Affairs will also be headed by the CDS. The mandate of the Department of Military Affairs will include the following areas: promoting jointness in procurement, training and staffing for the services, facilitation of restructuring of military commands for optimal utilization of resources,
प्रोमोटिंग यूज ऑफ इंडिजिनियस इक्विपमेंट बाई द सर्विसेस. तो दिस इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर, सो आई विल बी स्ट्राइकिंग आउट. अब इनका जो ओवरऑल डिपार्टमेंट है, जो इनका जो पोजीशन है वो क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स हेड का भी डिजिग्नेशन होना, और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्रोमोटिंग जॉइंटर्स इन प्रोक्योरमेंट. अब प्रोक्योरमेंट कोई भी ऐसा इक्विपमेंट है जिसको कि प्रोक्योर करना है, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीदना, और या फिर उनको जो है इन्वॉल्व करना आर्मीज में, ट्रेनिंग करना अगर किसी स्पेसिफिक आर्मी में, स्पेसिफिक विंग में आर्मी के, अगर उसमें किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रेनिंग की आवश्यकता है तो उसका भी जो इन्फॉर्मेशन है वो सीडीएस के पास होगा, और सीडीएस विल कन्वे दैट टू द कंसर्न गवर्नमेंट. ठीक है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू द स्टाफिंग. अ फैसिलिटेशन ऑफ रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिलिट्री कमांड्स फॉर ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अब रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ मिलिट्री कमांड्स, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आर्मी को अगर जरूरत पड़ेगी, उनको अगर आवश्यकता है कि कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ इक्विपमेंट आर्टिलरी की आवश्यकता है किसी स्पेसिफिक एरिया में, तो सीडीएस विल बी सीइंग दैट दैट यस दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग दैट हैज टू बी डन, और वो जो है इस मैसेज को आर्मी से गवर्नमेंट तक कन्वे करेंगे. ऑलराइट. अब प्रोमोटिंग यूज ऑफ इंडिजीनियस इक्विपमेंट बाय द सर्विसेज. अब ये सीडीएस भी इनके पास ओवरऑल जानकारी, हमारे यहाँ जो इंडिजीनियस ऐसे होते हैं जो कि लोकली इक्विपमेंट को जो बनाए रहते हैं उनको जो है इंडिजीनियस कहा जाता है. तो ये जो लोकल इक्विपमेंट है इनको जो है सीडीएस प्रमोट करेंगे और आर्मी को कहेंगे कि आप इनको जो है जहां पर भी आप ऐसे सिक्योरिटी पर्पस के लिए यूज करते हैं आर्टिलरी को, वहां पर इसको यूज कीजिए जो कि इंडिया द्वारा डेवलप किए गए हैं. तो दैट इज ऑल्सो द पर्पस ऑफ सीडीएस. ऑलराइट. नाउ who exactly CDS is, he is permanent chairman of the chief of staff committee. The CDS will be permanent chairman of the chief of staff committee. As a permanent chair, CDS will administer all tri-service organization command, function as the military advisor to the nuclear command authority. These are again the job of the CDS when he will be permanent chairman of chief of staff committee. Also this is the also designation that has been given to CDS, so he has a very wide area of responsibility with him. Alright, implement the 5-year defense capital acquisition plan and 2-year rule on annual acquisition plans. तो मैंने बताया कि जो defense capital acquisition plan है ये भी इस किससे जुड़ा हुआ है कि जब army को specific kind of capital की आवश्यकता पड़ती है किसी equipment के लिए, किसी artillery के लिए, तो उनको जो है government में कई बार सिफारिशें करनी पड़ती थी, या तो defense ministry में या तो कोई concerned finance ministry में, इस प्रकार से उनको सिफारिशें करनी होती थी. लेकिन now वो सारे hurdle अब खत्म हो गए और ये 3 wing direct जो है CDS को report अपनी पहुंचा देंगे, और CDS will directly convey to the government by defining the concerns of all the 3 wings of the army. All right, if you consider the NSG also. All right, coordinate cooperation, logistics, transport, training, support service, communications, etc. of 3 services. तो मैं ये already आपको define कर चुका हूँ कि overall जो coordination है that will be handled by the CDS, whereas इनके बीच का जो mismanagement है that will also be presided over by the CDS itself. ठीक है. तो importance of CDS in India's security. Coordination among services. The chief of defense staff is a high military office that will oversee and coordinate the working of the 3 defense services in India. This would lead to enhanced security in the region. अब मैंने बताया कि इनके बीच का जो mismanagement है, कई बार decision लेने में ही problem हो जाती है तीनों जो army है उनके बीच के coordination ना होने की वजह से. इनके coordination को control करने के लिए CDS को establish कर दिया गया, जिससे कि इनके specific command पर ही ये जो mismanagement का part है वो complete खत्म हो जाएगा, और वो जो है preside कर पाएंगे कि specific region में कहाँ पर हमें क्या चीज इस्तेमाल करना चाहिए. Already, all right. So this is only an advisory role. So you can say that CDS is acting as a kind of a bureaucrat in between army. All right. ये as a bureaucrat काम कर रहे हैं आर्मी के बीच में. इफेक्टिव लीडरशिप, सीडीएस विल प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप एट द टॉप लेवल टू द 3 विंग्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. अब इनका काम तीनों पे प्रेसाइड करना है, इनको जो है स्पेसिफिक एडवाइस भी देना कि आखिरकार आपने जो है जो आर्टिलरी का डिमांड किया, जो इक्विपमेंट का डिमांड किया, उससे रिलेटेड जो चीजें थी वो आखिरकार सही है या नहीं है. तो ये जो है सीडीएस का बताना है, एंड सीडीएस विल बी प्रेसाइडिंग ओवर ऑल दीज डिसीजंस व्हिच हैज टू बी मेड फॉर द आर्मी इटसेल्फ. ऑलराइट. तो इसीलिए ये विंग जो है हमेशा से एब्सेंट रहा है इंडियन मिलिट्री में, और जिसका लंबे समय से डिमांड भी रहा है. ठीक है. द सीडीएस विल हेल्प इन द टैकलिंग ऑफ थ्रेट्स इन एन इंटीग्रेटेड मैनर एंड वुड हेल्प इन ऑप्टिमल यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज. पॉलिसी मेकिंग, ऑपरेशंस, प्रोक्योरमेंट एंड जॉइंट लॉजिस्टिक्स विल बी इम्प्रूव्ड. अब मैंने बताया कि जो प्रॉब्लम्स है 3 विंग्स के बीच में,
उसके ऊपर प्रेसाइड करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो पॉलिसीज उनको बनाना है उसके ऊपर भी प्रेसाइड करेंगे। जब ये पॉलिसी जो है सीडीएस कंप्लीट कर चुके होंगे, दैट पॉलिसी विल बी कन्वेड टू द डिफेंस मिनिस्टर और द कंसर्न्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल, और वहां से वो जो है कैरी ऑन करके गवर्नमेंट तक पहुंचा देंगे। तो ये जो है पॉलिसी पर भी अपना जो है डिसीजन देंगे, जो कि कंसर्न होगा थ्री विंग्स ऑफ द आर्मी का। ऑलराइट, नाउ कोहेरेंस, इट विल प्रोवाइड अ सिंगल एंड कोहेरेंट पर्सपेक्टिव इंस्टेड ऑफ डिसएग्रीगेटेड इंडिविजुअल सिंगल सर्विस पर्सपेक्टिव। अब यहां पर मैंने बताया कि तीनों विंग के जो कंसर्न है वो कंसिडर करेंगे सीडीएस, और ये ओवरऑल मिलिट्री की जो भी डिमांड है उसको ही कन्वे करेंगे। इनके पास कोई और वर्क नहीं है, केवल मिलिट्री का जो भी कहना होगा उनको ही जो है ये पास आउट करेंगे। इसलिए इनको क्या कहा जा रहा है कि ही विल प्रोवाइड अ सिंगल एंड कोहेरेंट पर्सपेक्टिव इंस्टेड ऑफ डिसएग्रीगेटेड। अब कई बार ये होता था कि आर्मी अपनी दिक्कतें गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक बताते थे, सेक्रेटरीज तक बताते थे, लेकिन बिकॉज सेक्रेटरीज आर ब्यूरोक्रेट्स एंड दे आर ऑलवेज एडवाइजर टू द गवर्नमेंट रिगार्डिंग द वेलफेयर प्रोग्राम्स फॉर द पीपल, वो लोगों के लिए वेलफेयर प्रोग्राम्स करने में माहिर होते हैं, लेकिन जब मिलिट्री का कोई कंसर्न उनको बताया जाता है तो क्योंकि सेक्रेटरीज आर ऑलरेडी विद माइंड सेट कि हमें जो है गवर्नमेंट के जो एक्सपेंसेस है उसको भी ध्यान में रख के कुछ चीजें हमें कन्वे करना है, तो हमेशा देर वेयर ऑलवेज टसल, आई एम रियली सॉरी, देर वॉज ऑलवेज टसल इन बिटवीन आर्मी एंड दी ब्यूरोक्रेट ऑफ द गवर्नमेंट, जिसकी वजह से कभी भी कोई स्पेसिफिक प्लानिंग जो आर्मी की होती थी वो सक्सेसफुल होने में काफी टाइम लग जाता था। इस चीज को पूरी तरह से खत्म करके दिस हैज बीन प्रोवाइडेड कंप्लीटली टू द सीडीएस एंड सीडीएस इज इन डायरेक्ट कमांड इन रिलेशन विद द डिफेंस मिनिस्टर। ऑलराइट, सो इट विड हेल्प इन होलिस्टिक मैनेजमेंट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी फॉर ऑप्टिमाइज रिजल्ट्स एंड सिंगल पॉइंट मिलिट्री एडवाइस ऑन मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग न्यूक्लियर वेपन्स। अब क्योंकि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के भी हेड हैं तो इसलिए उस पर भी स्पेसिफिक एडवाइस गवर्नमेंट को देंगे, साथ ही साथ ओवरऑल मिलिट्री से रिलेटेड जो भी जरूरतें हैं आवश्यकताएं हैं उसको पूरी तरह से ये प्रिसाइड करके उस पर डिसीजन लेके गवर्नमेंट को कन्वे कर देंगे। ये है होलिस्टिक मैनेजमेंट जो कि सीडीएस जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये है रोल ऑफ सिग्निफिकेंस ओवरऑल ऑफ द चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। Now we will be concluding the answer. India was the only country with a Ministry of Defence without military professionals, with bureaucrats lacking a military background and knowledge. As a result, we lacked a cohesive national security strategy. There is little synergy within the military, and also the military industrial complex remains in a bad state. A post of CDS removed such issues. अब जो मैंने बताया कि प्रॉब्लम्स परसिस्ट करते थे आर्मी विंग के बीच में भी, इवन आर्मी को अगर कुछ मैसेज कन्वे करना था गवर्नमेंट को तो वो भी जो है प्रॉब्लमेटिक होता था, ये सारे प्रॉब्लम्स बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ द सीडीएस हैज बीन कंप्लीटली रिमूव्ड। ये जो है बहुत बड़ा एस्पेक्ट है सीडीएस के अपॉइंटमेंट का, इस डेजिग्नेशन को क्रिएट करने का। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एंड आई एम कंप्लीटिंग द वीडियो हियर। And I would say that you will have to, you need to stay tuned with the other part of the GS3, which I am going to produce. Also, you would have by now already seen the GS2 videos, and I am really very hopeful that it is going to help you as far as the answer writing practice is concerned. All right. So thank you for watching this, and I will be coming up with another video of GS3. Thank you for watching this. Stay home, stay safe, and keep learning.